हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना, तो फिर उधर ही रहेगा। आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में उसको आप उस पर हावी में, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको ये हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल, आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, वो 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर, ये परफेक्ट एग्जाम। किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा यहाँ एक खत्म हो गया, अब दूसरा करना चाहिए। और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया, अरे आराम करना चाहिए, कभी नहीं लाइफ में आखिरी सांस तक। सर हाँ। यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, मैं भोजपुरी में पूछूं? जोन भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो। सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जिसे हमने के पढ़ाई करी नहीं सर, तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो कम्प्लीट ना होला, अगर टारगेट्स कम्प्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एंजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ वो चीज हमेशा रहला, तो वो कम कैसे करल जाए? देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाइए छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 क्विंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा।